हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात जा रहे ट्रक से शराब के 250 कार्टन बरामद। सीकर से गुजरात ले जाई जा रही शराब की खेप भूसे की आड़ में छिपा कर ले जाई जा रही थी राजस्थान निर्मित शराब। रीको पुलिस ने मावल चौकी पर की कार्रवाई, ट्रक में सवार दो लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान से गुजरात ले जाई जा रही शराब की खेप रीको पुलिस ने बरामद की। गुजरात सरहद से सटी मावल चौकी पर गुजरात जा रहे ट्रक में भूसे के कट्टों के आड़ में छुपा कर ले जाई जा रहे शराब के 250 कार्टन बरामद किए। पुलिस ने राजस्थान निर्मित शराब बरामद कर ट्रक में सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एसपी हेमंत अभिलाष टाक द्वारा गुजरात में की जा रही अवैध शराब तस्करी की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धरपकड़ को विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एएसपी मिलन कुमार जोहिया, डीएसपी प्रवीण कुमार के सुपरविजन में रीको सीआई रान सिंह सोड़ा के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल देवाराम, कांस्टेबल गिरधारी सिंह, भवानी सिंह, ब्रजभूषण व महेंद्र सिंह को शामिल किया गया। आबू रोड पालनपुर नेशनल हाईवे पर मावल चौकी के सामने सख्ती से नाकाबंदी की गई। इसी दौरान मुखबिर सूचना पर आबू रोड से गुजरात जा रहे ट्रक RJ14GD5564 को रुकवाया। ट्रक को चेक किया गया। ट्रक में प्लास्टिक के कट्टों में भरे भूसे की आड़ में छिपा कर ले जाई जा रही राजस्थान निर्मित अलग अलग ब्रांड की मदीरा के 250 कार्टन बरामद किए। ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक चालक चूरू के रतनगढ़ नाथा के मालासर निवासी लक्ष्मण नायक पुत्र ओम प्रकाश नायक जाति नायक व सीकर जिले के फतेहपुर थाना के ठाणी रिटमल के निवासी सुरेंद्र मेहरिया पुत्र चेनाराम जाट को गिरफ्तार किया। आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।